हेलो वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले मैं आपके लिए 5 सेट इसके लेकर आ चुका हूं। इसमें हमने 5 सेट यानी कि 4 सेट मैंने MCQs आपसे डिस्कस किए थे, 1 सेट मैंने इंडिविजुअल डिफरेंस का आपको डिटेल में पूरी थ्योरी समझाई थी। तो यानी कि टोटल मैंने इस अपने सिलेबस से 5 टॉपिक आपको क्लियर कर दिए, ठीक है। 4 हमने MCQs किए थे, 1 थ्योरी वाला सेक्शन किया था जिसमें मैंने आपको PPT से बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की थी। आज उसी का लास्ट वाले का यहाँ पर हम MCQs डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जितने भी MCQs होंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs आपके लिए होंगे। आपके कमेंट आ रहे थे कि इसके MCQs कब आएंगे, और मैं आपको समझ सकता हूँ, जो लोग पढ़ाई करने में बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जो है वीडियोस का इंतज़ार करते हैं और बार बार कमेंट करके बोलते हैं कि सिलेबस पूरा कीजिए। मैं शर्मिंदा होता हूं दोस्तों आप लोगों की, जब कमिटमेंट में पूरा नहीं कर पाता हूं, तो किसी वजह से नहीं कर पा रहा था। और दूसरी ये है कि आप लोगों के रिस्पॉन्स भी अच्छे नहीं आ रहे थे, तो हमारी मेहनत जितनी है उसके अकॉर्डिंग जो है रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा था, तो इसलिए मुझे लगा कि शायद ये इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान देने की नहीं दिया फिर उसके बाद, ठीक है। तो आज मैंने जो आपके लिए सेट बनाने का बहुत ज़्यादा मेहनत इस पर कर रखी है। अभी के अभी दोस्तों सबसे पहले लाइक से आप स्टार्ट कीजिए, लाइक कर दीजिए। लाइक करने में कोई भी आपसे चार्ज नहीं लगने वाला है, लेकिन हमको उससे चार्ज मिल जाएगा, ठीक है, हम मोटिवेट हो जाएंगे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसमें देखिए आप जो है हमको फॉलो कर लीजिए, आप ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद हमारे फेसबुक से जुड़ने के लिए हमारे साथ यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिलेंगे, यूट्यूब का, फेसबुक का, और यहाँ पर इंस्टाग्राम का और हमारी वेबसाइट का, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आप टेलीग्राम को तो आप जानते ही हो, टेलीग्राम पे हमारे साथ ज्वाइन बहुत सारे लोग हैं, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिंक स्क्रीन में आपके दिख रहा होगा आपको। और अगर जो है आप ज्वाइन नहीं हैं, तो डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, हमसे ज्वाइन वहाँ पर को हो जाइए दोस्तों, ठीक है। तो एग्ज़ाम आने वाले, हमको प्रिपरेशन करनी है। अब टॉपिक वाइज हम यहाँ पर रोज़ पर डे आपके लिए वीडियो में लेकर आऊँगा, और मैंने रोक दिया था। तो आप हमको सपोर्ट करना चाहते हो दोस्तों, तो वीडियो को जो है बाकी लोगों तक शेयर करो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार। जितने व्यूज आते हैं लाइक नहीं आते, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम है तो डिसलाइक करो, उसके बाद हमको कमेंट करके बता दो हम डिसलाइक कर रहे हैं, जिससे मैं सुधार करूँगा। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं कैसे क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा वीडियो आज का, और ये पहला क्वेश्चन इसमें देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, प्रकृति का नियम है कि, देखिए प्रकृति का क्या नियम है। जब मैंने आपको ये वीडियो पढ़ाने से पहले इसका जो थ्योरी वाला पार्ट था वो मैंने अच्छे से समझाया था आपको, ये चैप्टर पूरा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों प्रकृति का नियम होता है कि कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, सीधे सीधे कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं होते, ये प्रकृति का नियम है। और दो व्यक्ति पूर्णतः एक जैसे होते हैं, ये गलत है। और इस संदर्भ में कुछ नहीं कहा जा सकता, ये भी गलत है। दो व्यक्ति की तुलना नहीं की जा सकती, ये भी गलत है, बाकी सही है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात ये है कि मैंने आपके लिए दोनों लैंग्वेज यहाँ पर दी है, हिंदी और इंग्लिश। अगर आपको ये अच्छा लगा तो कमेंट करके बता दो, फटाफट से आप कमेंट करें और बता दीजिए कि ये आपको कैसा लगता है, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ, देखिए इसको टाइप करना है, कन्वर्ट करना होता है, ट्रांसलेट करना होता है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों इसमें। आप लोग जो है इस चीज़ को समझिए, ठीक है, हमको थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए आप भी, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक कर लो, बाकी लोग तो शेयर भी कर लो यार, हमको भी तो कुछ मिलना चाहिए, और अपना फीडबैक भी हमें देते रहो, ठीक है। चलिए ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा है, व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित प्रत्यय पर सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने कार्य किया। काफ़ी थोड़ा सा टफ भी हो सकता है, इजी क्वेश्चन भी। अगर आपने हमारा वीडियो देखा तो आपको ये बिल्कुल भी टफ लगने वाला नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस है, यहाँ पर इंग्लिश में आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखने को मिलेगा पर्सनल वेरिएशन लिखा है, तो इसको इंडिविजुअल डिफरेंस मान के आप जो है इसको करना, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस है दोस्तों ये, तो थोड़ा सा इसमें यहाँ पर प्रॉब्लम कहीं पर देखने को मिल सकते हैं, इसके लिए मैं पहले ही बोलता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना दोस्तों, कहीं पर स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो या ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम हो, तो जैसा जितना हो पाता था हमने किया है, ठीक है। चलिए बाकी समझ में आ जाएगा आपके, इतना गारंटी है, ठीक है। चलिए व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित प्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट पर सबसे पहले किस मनोवैज्ञानिक ने कार्य किया था, तो यह गाल्टन ने किया था दोस्तों। ऑप्शन ए में आपको देखने को मिल रहा होगा गाल्टन, तो गाल्टन ने किया था। मेरे आंसर करने से पहले आप कमेंट में आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला है, कोई व्यक्ति अपने समूह से के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से कितनी भिन्नता रखता है, उसे व्यक्तिगत भिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंस कहा जाता है। डबल इन्वर्टेड कॉमा में कोई भी चीज़ लिखी होती है, इसका मतलब है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी साइंटिस्ट ने, मनोवैज्ञानिक ने, समाजशास्त्री ने, इन लोगों ने कह रखी है ये बात, किसी भी महापुरुष ने ये बात कह रखी है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते।
ठीक है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंस की परिभाषा दी है, कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक और मानसिक गुणों के औसत से कितनी भिन्नता रखता है उसे क्या कहा जाता है, व्यक्तिगत भिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस कहा जा सकता है। यहाँ पर इंग्लिश में भी देख सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो ये किसने कहा था, ये कहा था दोस्तों जेम्स ड्रेवर ने, ठीक है। किसने कहा था, जेम्स ड्रेवर ने कहा था, मैंने आपको बताया था वीडियो में, नहीं देखा एक बार फिर बोलता हूँ, उस वीडियो को आप पहले देख लो उसके बाद इसको देखना, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संभवतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है। ये भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी किसी न किसी महापुरुष ने कहा होगा। दोस्तों तो ये किसने कहा, व्यक्ति विभिन्नता व्यक्तिगत विभिन्नता के संदर्भ में ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है, ठीक है। तो किसका है, ये टॉयलर ने बोला था इसको, टॉयलर ने, ठीक है, टॉयलर ने बोला था। इस परिभाषा को किसने दिया था, टॉयलर ने दिया था। चलिए अगला है, व्यक्तिगत विभिन्नता को निम्नलिखित कारकों में से कौन सा प्रभावित करता है। दोस्तों आपको पता है जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है इसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, मैंने आपको वीडियो में बताया था, बहुत सारे कारक बताए हैं, उसमें से यहाँ पर आपको देखना है कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस है इसको प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर को केवल वातावरणीय कारक होते हैं, नहीं केवल वातावरणीय कारक नहीं होते, केवल वंशानुक्रमित कारक, ठीक है, ये भी गलत है, केवल वंशानुक्रम ही नहीं करता, केवल वातावरणीय कारक ही, ये भी नहीं होते। दोस्तों वातावरण और वंशानुक्रम दोनों कारक होते हैं इसमें, ठीक है, वातावरण और वंशानुक्रम दोनों होते हैं। मेरे आंसर बताने से पहले आप फटाफट से कमेंट कर लो, ठीक है ना, फटाफट कमेंट करके अपने आंसर देने की कोशिश करो यार, खुद को भी तो जांचना है आपको कितना आ रहा है भाई, है ना। तो ये चीज़ें आपको भी समझ आनी चाहिए, आपको भी आनी चाहिए, तो इससे पहले आपने वो वीडियो देख ही लिया है, इसमें कोई दिक्कत तो है ही नहीं, ठीक है, फटाफट आप भी आंसर करो, खुद को जांचना भी है आप लोगों को। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधियाँ व्यक्ति विभिन्नता को जानने की विधियाँ हैं, ठीक है। व्यक्ति विविधता को मापने या जांचने की विधियाँ भी मैंने वहाँ पर आपको बता रखी हैं, तो दोस्तों उसमें से ही ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो कौन सी विधियाँ हैं व्यक्ति विभिन्नता को जानने की, यहाँ पर बुद्धि परीक्षण यानी कि इंटेलिजेंट टेस्टिंग, ठीक है, ये तो है, उपलब्धि परीक्षण, ठीक है, अचीवमेंट टेस्ट है, ये भी है, अभिरुचि परीक्षण यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये भी है, यानी कि ये तीन के तीन है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये तीन के तीन परीक्षण दोस्तों, इनकी सहायता से हम व्यक्ति विभिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंस को जान सकते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस को जानने की ये तीनों पद्धतियाँ हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होता है, तो किस में भिन्न होता है दोस्तों, प्रत्येक शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर जो होती है ना, रेट ऑफ डेवलपमेंट जो होता है प्रत्येक बच्चे में अलग अलग होता है, ठीक है, जो विकास होता है हर किसी में अलग रेट से होता है, ऐसा तो नहीं है कि हर किसी में एक ही दर से विकास होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, हर किसी में अलग अलग दर से विकास होता है। कोई 5 साल का बच्चा है, कोई 10 साल का बच्चा है, दोनों में विकास अलग अलग देखने को मिलेगा। कोई जो है भाषा विकास किसी में 3 साल में हो जाता है, उतना ही भाषा विकास किसी में 5 साल में जाकर होता है, कोई बच्चा 2 साल में बोलना सीखता है, कोई बच्चा 1 साल में ही बोलना सीख जाता है ज़्यादा शब्द, तो कई चीज़ें होती हैं। तो ये सारी, कोई चलना बच्चा जल्दी सीख जाता है, कोई लेट सीखता है, तो बहुत सारे मतलब विकास के विभिन्न पहलू होते हैं, आप जानते ही हो, चौहमुखी होता है मल्टी डायमेंशनल होता है, ठीक है ना। तो यानी कि विकास की दर क्या है, सभी में अलग अलग होती है। चलिए बाकी वीडियो आप देखेंगे तो वीडियो में आपको पूरा डिटेल में हमने बता रखा है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि प्रत्येक जो शिक्षार्थी होते हैं, प्रत्येक लर्नर जो होते हैं, ठीक है, प्रत्येक विद्यार्थी जो होता है वो अपने आप में एक विशिष्ट होता है, ठीक है, यूनिक होता है। तो इसका क्या मतलब होता है, पढ़ लेते हैं ऑप्शन, कोई भी दो विद्यार्थी अपनी योग्यताओं, रुचि और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात है, कोई भी दो विद्यार्थी हैं वो अपनी योग्यताओं, रुचि और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे देख लेते हैं, और विद्यार्थियों में न तो कोई समान विशेषताएं होती हैं और न ही उनके लक्ष्य समान होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है ये भी, ना तो इनके समान विशेषताएं होती हैं, देखिए लक्ष्य समान हो सकते हैं ना, जरूरी तो नहीं है, ठीक है ना, लक्ष्य समान, अब मैं हूँ और कोई दूसरा व्यक्ति है, उसके लक्ष्य और मेरे लक्ष्य एक समान हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंस को मनोवैज्ञानिक आधार पर पढ़ते हैं, तो उसके अंतर्गत हम पाते हैं कि कोई भी दो या दो से अधिक व्यक्ति या विद्यार्थी होते तो उनकी जो योग्यता होती है, एबिलिटीज होती है, उनके इंटरेस्ट होते हैं, उनका टैलेंट होता है, उनके स्किल्स होते हैं, ये सारी चीजें एक समान नहीं होती है, सभी में अलग अलग होती हैं ये सारी चीजें, ठीक है। ऑप्शन ए सीधे सीधे सही हो जाता, बाकी कुछ पढ़ने की तो जरूरत है ही नहीं। अगर बाकी इसमें दिया होता कि मतलब दोनों सही हैं या इस टाइप के ऑप्शन होते तो हम बाकी भी पढ़ लेते, फिर भी अपनी तसल्ली के लिए आप बाकी सारे ऑप्शन भी पढ़ लीजिए।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को, ठीक है, शिक्षार्थी क्या करते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस शो करते हैं, तो इससे क्या जो है, और शिक्षक को इसमें क्या करना चाहिए, सीखने के विभिन्न अनुभव को उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, ये तो सही है भाई, जब हम जानते हैं कि प्रत्येक बच्चा जो है अलग अलग रुचियाँ उसमें होती हैं, अलग अलग क्षमता उसमें होती है, तो यानी कि वो इंडिविजुअल डिफरेंस को शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो उसमें उससे हम शिक्षक को क्या करना चाहिए, उनको सीखने के लिए विभिन्न अनुभव उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, बिल्कुल गलत। फिर परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, ये भी नहीं होगा, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, एक समान गति से तो हो ही नहीं सकता भाई, ठीक है ना, सभी के लिए एक समान गति से अधिगम नहीं हो सकता है, इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, प्रोवाइड डिफरेंट लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ठीक है, डिफरेंट लर्निंग एक्सपीरियंसेस। चलिए अगला है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो होती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअल रूप से ध्यान देने की, अटेंशन देने की ज़रूरत क्यों है, ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों शिक्षार्थी हमेशा समूह में बेहतर सीखते हैं, या शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा ही बताया गया है, या इससे प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं, या बच्चों की विकास दर भिन्न होते हैं और वे विभिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। भाई बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस हम पढ़ रहे हैं, देखिए प्रत्येक बच्चे में जो सीखने की दर होती है, विकास की दर होती है, ये सारी चीज़ें जो है अलग अलग होती हैं, ठीक है, तो इसीलिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने के लिए महत्वपूर्ण ऑप्शन चौथा जो है हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन सी। चिल्ड्रन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट रेट एंड दे कैन लर्न इन डिफरेंट वे, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला इसमें है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यालयों को किस लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए, तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को, इंडिविजुअल डिफरेंस को जो है विद्यालय को, स्कूल्स को किस लिए पूरा करना चाहिए, ऑप्शन देख लेते हैं, व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यता को समान करने के लिए, और उसके बाद यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं, बिल्कुल सही बात है, और व्यक्तिगत शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। दोस्तों देखिए विद्यालयों को व्यक्ति विभिन्नता को पूरा करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, यह समझने के लिए कि कोई भी शिक्षार्थी है वो सीखने के योग्य है, ठीक है, मतलब किसी चीज़ को सीखने के योग्य है तो क्यों है, ठीक है, अगर अयोग्य है तो फिर क्यों है, ठीक है, इन चीज़ों को सीखने के लिए जो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नता को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग कर सकता है, What kind of support can a school provide to address individual difference among learners? ठीक है, तो देखिए बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना, या शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नता को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना, भैया कैसे हो सकता है, गलत होगा, पहली फुर्सत में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना, ठीक है, इसको भी हम नहीं मान सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना, इनको अलग विद्यार्थियों में कैसे भेज देंगे, उनके लिए उपाय करेंगे ना, कुछ अच्छा सिखाने के लिए विभिन्न विधियों का उपयोग करेंगे, धीमी गति से जो सीख रहे हैं उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन देने की कोशिश करेंगे, विभिन्न मेथड्स का, टीचिंग एड्स का इनका प्रयोग करेंगे, ठीक है, और सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करके, ये भी नहीं हो सकता, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान कैसे हो सकता भाई, इंडिविजुअल डिफरेंस को हम फॉलो कर रहे हैं ना, तो कैसे हो पाएगा, तो बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना, जो आजकल की एजुकेशन जो है दोस्तों ये वैसे भी बाल केंद्रित शिक्षा का ही समय है, ठीक है, यहाँ पर जो एजुकेशन है वो बालकों के लिए होती है, इसीलिए तो हम क्या करेंगे, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश के द्वारा यानी कि डॉट डॉट के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है, ठीक है, तो किसके द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है दोस्तों, इनकरेज किया जा सकता है, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करके या शिक्षार्थियों की सफलता की परस्पर तुलना करने, गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देकर या अनपेक्षित परीक्षा लेकर,
ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करके, ठीक है, व्यक्तिगत जो प्रयास हैं बच्चों के उन पर ध्यान देने की जरूरत होगी, उन पर ध्यान केंद्रित करेंगे, ठीक है। बच्चा कोई भी चीज़ है तो व्यक्तिगत अपना जो प्रयास करता है, खुद करता है, उसी से सीखता है, ठीक है। जितना वो खुद करेगा, खुद अपने हाथों से करेगा, तो उससे बच्चा सीखेगा। तो यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर को सीधे सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है, वह विकसित कर रही है। देखिए व्यक्तिगत 14 वर्ष की लड़की है कोई, तो वो क्या करती है, अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित, खुद के द्वारा नियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। तो दोस्तों वो किस चीज़ का विकास कर रही होगी, तो देखिए स्वायत्तता यानी कि ऑटोनॉमी का विकास कर रही होगी, ठीक है, स्वायत्तता का विकास कर रही होगी। बाकी तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पर जो है सही नहीं हो सकता। लास्ट में एक परिपक्वता में आप थोड़ा कन्फ्यूजन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो खुद से कोई चीज़ करने की वो कोशिश करे, तो यहाँ पर स्वायत्तता अपने आप पर निर्भर रहने की यहाँ पर कोशिश बात हो रही है, कोशिश हो रही है, ठीक है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पर मैं डाल दूंगा, टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर लेना। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन नहीं हो तो, ठीक है, वहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के PDF मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभिन्नता, देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपने क्लास ली होगी तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से आ रहा होगा, ठीक है। तो कक्षा में विद्यार्थियों के लिए व्यक्तिगत विभिन्नता लाभकारी नहीं है, क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, ये बिल्कुल गलत है, हानिकारक है। देखिए भाई, व्यक्तिगत विभिन्नता हानिकारक या इस तरह के जो चीज़ आ रही है वो तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, हानिकारक है, आगे तो फर्स्ट में काट दो उसको, आगे बढ़ना ही नहीं है। अनुपयुक्त है, ये भी आप सीधे सीधे काट दो। उसके बाद लाभकारी है, क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचना को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा भाई, ठीक है, क्योंकि ये तो लाभकारी है, क्योंकि ये विद्यार्थियों की क्या, संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में मदद करती है, ठीक है। इट बेनिफिशियल बिकॉज इट लीड्स टीचर्स टू डिस्कवर द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर को सीधे सीधे सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान शिक्षकों की मदद किस में करता है। भाई व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान अगर किसी टीचर को होगा तो किस में मदद करेगा, ठीक है। अब टीचर अगर जानता है इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में, तो वो समझेगा कि प्रत्येक बच्चा जो होता है वो अलग अलग टेंडेंसी का होता है, उसकी रुचियाँ, उसके कार्य क्षमता, उसकी कौशल, ये सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग वो उनको शिक्षित करने की कोशिश करेगा, यानी कि उनके अकॉर्डिंग टीचिंग को करेगा। तो समझ लेते हैं आगे क्वेश्चन, ये इसमें ऑप्शन में क्या पूछना चाह रहा है। पिछड़े विद्यार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने के निरर्थकता को समझने में, क्योंकि वो बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते, भैया ऐसा ये बिल्कुल गलत है। व्यक्तिगत विभिन्नता को शिक्षार्थियों की असफलता की स्वीकृति एवं उत्तरदायी ठहराने में, ये भी नहीं होगा। सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली को एक रूप बनाने में, कैसे हो सकता है, प्रस्तुति शैली को एक रूप नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करके और उनके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में, बिल्कुल सही बात है भाई। प्रत्येक, हम जानते हैं प्रत्येक बच्चे की एबिलिटीज अलग अलग होती हैं, उनके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, तो हम उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उनकी आवश्यकताओं का आकलन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उन्हीं के अनुरूप उनको पढ़ाएंगे। अगला है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है, यह सिद्धांत संबंधित है। तो दोस्तों ये सिद्धांत जो है किससे संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 17 पर ध्यान देंगे आप। ये कह रहा कि हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, ठीक है, तो ये किस चीज का सिद्धांत है, ठीक है, ये व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है। हम व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है, यही तो कहता है कि हम रुचियों, अभिरुचियों, प्रेरणा, बुद्धि और ये सारी चीज़ों में हम क्या होते हैं, सब अलग अलग हैं, ये इसी का तो सिद्धांत है, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। ये वेरिएशन है तो यहाँ पर डिफरेंस मान लेना यार, बहुत ज़्यादा कहीं पर आप मिस्टेक देखने को मिलेगी, मतलब हालांकि सेम होता है लेकिन हम डिफरेंस का यूज़ करते हैं यहाँ पर को। चलिए अगला है, शिक्षार्थियों या अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत विभिन्नता के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ लर्नर्स द टीचर शुड, ठीक है, तो शिक्षिका को क्या करना चाहिए या क्या होना चाहिए, विभिन्न प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना चाहिए या
निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना या कलन विधि यानी कि एल्गोरिथम का अधिकतर प्रयोग करना, याद करने के लिए परीक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। याद करना जहां पर आता है मैं हजार बार बोलता हूं, उसको सीधे सीधे काट दो। अब दोस्तों यहां पर ऑप्शन ए पर ध्यान दीजिए आप, विभिन्न प्रकार के अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। विभिन्न प्रकार के अधिगम परिस्थितियाँ यानी कि लर्निंग का माहौल बनाना, सिचुएशन बनाना, ठीक है, सिचुएशन क्रिएट करना, तो उसके लिए जो है यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना। भैया देखिए, अगर आप टीचिंग कर रहे हैं तो किसी चीज़ का नॉलेज दे रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे, कोई भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हो उसमें एक आपने ऐसी चीज़ बीच में डाल दी है जो जिस चीज़ को आप पढ़ा रहे हो उससे संबंधित है ही नहीं, ठीक है, और बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट आपने उसमें बीच में डाल दिया, तो उससे क्या हो जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी। अब हम समझते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है। प्रस्तुत करना शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल सही जवाब है, अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, उसको कॉन्सेप्ट को समझने में जो है बच्चों को कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी, यानी कि कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वो क्या करेगा, इट विल मेक डिफिकल्ट फॉर द लर्नर्स टू गेन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो यानी कि कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये यहाँ पर कठिनाइयाँ उत्पन्न कर देगा। शिक्षार्थियों के लिए प्रत्यास्मरण को आसान बनाएगा, कैसे हो सकता भाई, आसान कैसे बना देगा, ये परेशानी उत्पन्न कर देगा ना। हम जब कोई बच्चों को कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं तो उसी से संबंधित छोटी छोटी चीज़ों से पहले उनको अवगत कराते हैं, विभिन्न प्रकार के उदाहरण उनको दिखाते हैं, चित्र वगैरह दिखाते हैं, तब जाके बच्चे उस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। तो सीधे ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी चीज़ों पर क्या ध्यान दें, शिक्षा कार्य को कठिन कर देगा, शिक्षार्थियों के लिए आसान बना देगा, बिल्कुल गलत है, ठीक है। और बाकी कोई चीज़ भी यहाँ पर कोई ऑप्शन सही नहीं है, बाकी सब गलत है। अगला, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। भैया व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती होगी, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस आप पढ़ रहे हो तो इतना तो आपको पता ही है, वातावरण के प्रभाव के कारण, ठीक है, तो वातावरण के प्रभाव के कारण भी होती ही है इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है, और जन्मजात विशेषताओं के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण भी होती है, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, बिल्कुल सही ऑप्शन सी। देखिए जो ऑप्शन सी है इसी के अंदर आपका ऑप्शन ए भी आएगा और ऑप्शन बी भी आएगा, ठीक है। वंशानुक्रम यानी कि जो हमको माता पिता से, हमारे पूर्वजों से जो गुण हमको मिलते हैं, जो लक्षण मिलते हैं, ठीक है, जो जीन ट्रांसफ़र होते हैं उसमें हमारे पास लक्षण आते हैं, जो वो चीज़ें वंशानुक्रम के अंतर्गत आ जाती हैं। वातावरण से जो हम पैदा होने के बाद अपने समाज से, अपने माहौल से सीखते हैं, वो सारी चीज़ें वातावरण के अंतर्गत आ जाती हैं। तो इसी से व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारित होता है। ए और बी ऑप्शन इसी के अंतर्गत आ जाते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर कुछ सीधे सीधे सही हो जाता है, ठीक है। जीनों का विभिन्न समुच्चय माता पिता से प्राप्त करके ये जो है वंशानुकरण में आ जाएगा। चलिए उसके बाद अगला है, व्यक्तिगत ध्यान या शिक्षा डॉट डॉट के लिए वांछनीय मानी जाती है, ठीक है। तो किस चीज़ के लिए जो है वांछनीय मानी जाती है, डिजायरेबल मानी जाती है सभी छात्रों के लिए। दोस्तों देखिए, व्यक्तिगत ध्यान और शिक्षा, व्यक्तिगत ध्यान और शिक्षा, व्यक्तिगत एजुकेशन या अटेंशन, पर्सनल अटेंशन या इंडिविजुअल अटेंशन या इंडिविजुअल एजुकेशन किसके लिए ज़रूरी मानी जाती है, सभी छात्रों के लिए ज़रूरी मानी जाती है, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नता का, व्यक्तिगत डिफरेंस का ज्ञान होना चाहिए, व्यक्तिगत एजुकेशन का ज्ञान होना चाहिए, ऑप्शन ए यहाँ पर सीधे 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 सभी छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है क्या, होता है भाई शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, व्यक्ति के डॉट डॉट का विकास करना या व्यक्ति की डॉट डॉट का विकास करना, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होगा भाई। देखिए ज्ञान का, क्या शिक्षा का उद्देश्य खाली ज्ञान का उपयोग करना होता है, क्या शरीर का, खाली शरीर का विकास करना होता है, या व्यक्तित्व का विकास करना होता है, या बुद्धिमत्ता का विकास करना होता है, इंटेलिजेंस का। तो उसके यहाँ पर सही जवाब होने वाला है पर्सनालिटी का, ठीक है, व्यक्तित्व का। जो शिक्षा होती है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है किसी भी व्यक्ति की व्यक्तित्व का विकास करना, उसकी पर्सनालिटी का विकास करना। अगर किसी व्यक्ति का, हम कहते हैं कि किसी की पर्सनालिटी का विकास हुआ है तो उसका नॉलेज भी ऑटोमेटिक बड़ा होगा, ठीक है, नॉलेज में भी विकास हुआ होगा, उसके उसकी बॉडी में विकास हुआ होगा, ठीक है। पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, जिसमें उसके नॉलेज में, उसके शरीर में, बॉडी में, ठीक है, ये और उसकी इंटेलिजेंस में, इन सारी चीज़ों में डेवलपमेंट होता है, एक सुधार होता है, इम्प्रूवमेंट होता है, इसी से पर्सनालिटी भी डेवलप होती है, ठीक है। तो यानी कि ये बाकी के ऑप्शन भी किसके अंतर्गत आ जाते हैं, ऑप्शन सी के अंतर्गत आ जाएंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पर्सनालिटी व्यक्तित्व, ठीक है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्तित्व का विकास करना किसी भी व्यक्ति के।
अगला ऑप्शन है सीखने वाला व्यक्तिगत विभिन्नता को दर्शाता है, इसीलिए एक अध्यापक को करना चाहिए सख्त कानून लागू करना चाहिए। बिल्कुल गलत जवाब। सीखने की एक सामान्य रफ्तार बनाकर रखना, ये भी गलत है। एक सामान्य रफ्तार नहीं हो सकती है। अलग अलग तरह से सीखने के अनुभव प्रदान करना सही जवाब है। अलग अलग तरीके से सीखने के अनुभव प्रदान कराने चाहिए, ठीक है। सीखने वाला व्यक्तिगत विभिन्नता को दर्शाता है, व्यक्तिगत विभिन्नता को दर्शाता है तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन है, आसानी से समझ आ रहे होंगे क्योंकि मैंने इससे पहले जो थ्योरी पढ़ा रखी है उसमें आप अगर पूरा वीडियो आपने देखा है तो अच्छे से समझ पा रहे होंगे। दोस्तों जैसे मैंने ये सेट बना रखा आप देख पा रहे होंगे, इसको मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बना रखा है, दो पार्ट में इसको डिवाइड करके। मैंने आपसे कहा था कि आपको मैं LT के मॉक टेस्ट दूंगा, ठीक है, मॉक टेस्ट दूंगा, लेकिन तब दूंगा जब आप लोग की ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड होगी, ठीक है। क्योंकि एक मॉक टेस्ट बनाने में टाइपिंग करना है और उसके बाद उसको ट्रांसलेट करना है, बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। क्वेश्चन ढूंढ के लाने, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, तो इसमें बहुत टाइम लगता है। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक महीने का कोर्स दूंगा, यानी कि 30 PDF दूंगा, ठीक है, 30 मॉक टेस्ट दूंगा, और उसके बदले आपसे थोड़ी सी मैं यहाँ पर फीस लूँगा जो 300 रुपये होगी, ठीक है ना। 300 रुपये यानी कि आपको एक PDF कितने की पड़गी भाई, 10 रुपये की, ठीक है। अब 10 रुपये एक दिन का तुम खर्च कर रहे हो, ठीक है। जो लोग 10 रुपये तो आप ऐसे ही मतलब किसी भी चीज़ में खर्च कर लेते होंगे, लेकिन आप एजुकेशन में खर्च करने के लिए आप मतलब बहुत सारे लोग डरते हैं, ठीक है ना, उनको लगता है वेस्ट खर्च हो रहा है। तो ऐसा नहीं है यार, आप एजुकेशन में खर्च करोगे ये तो एक प्रकार का बीज है, आप बो रहे हो ज़मीन में, है ना, तो कल को वो अच्छा मीठा फल देगा आपको। दोस्तों अगर आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है भैया हम 30 PDF देखेंगे तो उसमें आपको 3000 क्वेश्चन आपके एक महीने के अंदर तैयार हो जाएंगे, जिसमें आपको बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री और CDP के क्वेश्चन मिलेंगे, पूरा रेशियो सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा आपको 30 PDF, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट करें और टेलीग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं। आपके लिए मैं एक पर्सनल ग्रुप बनाऊंगा, उसमें जितने लोग इसको परचेज करेंगे उनका एक अलग से ग्रुप बनेगा टेलीग्राम पर, उनको ज्वाइन करूंगा और उसके बाद उस ग्रुप में वो PDF मटेरियल जो है आपको दूंगा, और आपको मैं Paytm या गूगल पे के माध्यम से आप जो है पे कर सकते हो, ठीक है। इसकी जानकारी मैं आपको बाद में दे दूंगा, फिलहाल आप मेरे को पहले ये बता दें कि आप कितने लोग यहाँ पर खरीदने वाले होते हैं, तब मैं इस पर मेहनत करूँगा, ठीक है। चलिए चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्यों के पक्ष में नहीं जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, व्यक्तिगत उद्देश्यों के पक्ष की बात हो रही है, ठीक है क्वेश्चन को। तो दोस्तों यहाँ पर एक व्यक्ति समाज के लिए संपदा है, उसका विकास और उन्नति अनिवार्य है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर समाज के लिए है ना, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कौन सा शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए, यानी कि इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स के लिए नहीं जाना जाता है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंस के लिए कौन सा नहीं जाना जाएगा, समाज सर्वोच्च है और सभी व्यक्ति उसके अंग है, यानी कि समाज सर्वोच्च है, ये कि ये वाक्य हमको बता रहा है कि समाज ही सब कुछ है, ठीक है। व्यक्ति की अपनी कोई भी जो है वैल्यू या मतलब अपनी रुचि वगैरह नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर समाज को ऊपर रख रहा है, ठीक है। व्यक्तिगत उद्देश्य कुछ नहीं मायने रखेंगे व्यक्ति के, वो समाज को देखकर कार्य करेगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी उस व्यक्ति का समाज मतलब व्यक्ति समाज के लिए एक संपदा है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो उसके बाद समाज दृढ़ है, यदि व्यक्ति दृढ़ है, अगर कोई समाज का मेंबर होता है व्यक्ति, तो व्यक्ति अगर मजबूत होगा, दृढ़ होगा, तो समाज भी क्या होगा, दृढ़ होगा, या समाज दृढ़ होगा तो उसके मेंबर भी दृढ़ होंगे। तो यहाँ पर फॉर्म है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग भी आप यूज़ कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है, उसकी संभावनाओं का पूर्ण विकास अनिवार्य है, ये भी सही है, ये इंडिविजुअल डिफरेंस को बताते हैं। बाकी चौथा ऑप्शन खाली समाज को ध्यान में रखकर बताया गया है, व्यक्ति को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है उसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से किस परिप्रेक्ष्य में व्यक्तिगत विभिन्नता अधिक संगत होगी, ठीक है। तो शिक्षण अधिगम व्यवस्था, अभिकल्प तैयार करना, छात्रों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना, औपचारिक कार्यक्रम तैयार करना, बिल्कुल सही बात है भैया, औपचारिक प्रिपरेशन फॉर रेमिडियल प्रोग्राम्स, ठीक है। तो औपचारिक कार्यक्रम तैयार करना, इससे क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता अधिक संगत होगी, ठीक है। चलिए उपचारात्मक शिक्षण आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, उपचारात्मक शिक्षण आपने पढ़ा होगा, रेमिडियल टीचिंग। तो उपचारात्मक शिक्षण में क्या किया जाता है, ये आपको पता है, नहीं है तो कमेंट में बताएं, जब मैं ये टीचिंग मेथड्स पढ़ाऊंगा
और इसको मैं डिस्कस करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। उपचारात्मक शिक्षण और निदानात्मक शिक्षण, ठीक है, ये सारे आप जो है इनको पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, मैं भी आपको आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा, ठीक है। फिलहाल ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों ये किसके द्वारा किया गया है, ऑप्शन यहाँ पर को डी सही होने वाला है, स्पेंजर के द्वारा किया गया, स्पेंजर के द्वारा किया गया, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे खांचे या रेंज में आपको गर्त आपने पढ़ा होगा, ठीक है, टीचिंग की जो गर्त होती है वो पढ़ा होगा आपने, तो उसके अंतर्गत ही ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए इसमें ग्रेड और अंक ये दोनों आते हैं, ए और बी दोनों इसके सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें के लिए जो है किस व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है, ग्रेड और अंक दोनों, ऑप्शन सी सही होगा। व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है। तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, ये जो है व्यक्तित्व कहलाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। देखिए यहाँ पर कई लोग इसको समायोजन भी कर सकते हैं, ठीक है, कुछ लोगों को लग सकता है कि ये चरित्र हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इसका सही जवाब होने वाला है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, ठीक है। क्वेश्चन को समझो ना, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन, गतिशील संगठन, ठीक है, जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व अगर डेवलप हो जाता है तो वो क्या करता है, अपने पर्यावरण के साथ एडजस्टमेंट करता है, एडजस्ट करता है, समायोजन करता है, एडेप्टेशन करता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है लेकिन लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है, ठीक है। कोई भी पाठ है उसको सीखने के लिए एक लड़की है सीमा नाम की, वो क्या करती है, उस पाठ को जल्दी सीख लेती है लेकिन लीना उस पाठ को सीखने में थोड़ा ज़्यादा समय लगाती है। तो ये विकास के डॉट डॉट सिद्धांत को दर्शाता है, तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता को दर्शाएगा, इंडिविजुअल डिफरेंस को दर्शाएगा दोस्तों, ठीक है। हम जानते हैं प्रत्येक व्यक्ति में सीखने की क्षमता अलग अलग होती है, उसमें रुचि अलग अलग होती है, ठीक है, तो कई चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। तो यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंस होती है, वो कुछ जल्दी सीख जाती है, कुछ देर में सीखती है, ठीक है। चलिए अगली बात है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता का एरिया की बात करें दोस्तों, तो व्यक्तिगत विभिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंस का क्षेत्र क्या है दोस्तों, लिंग भेद, शारीरिक रचना और मानसिक योग्यता, ये तीनों जो है इसके क्षेत्र हैं, उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो है लिंग भेद व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है, लिंग भेद से व्यक्तिगत विभिन्नता उत्पन्न होती है, शारीरिक रचना से और मानसिक योग्यताओं से भी व्यक्तिगत विभिन्नता निर्धारित होती है, ऑप्शन यहाँ पर को डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, हमने यहाँ पर 30 क्वेश्चन डिस्कस किए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इतने ही क्वेश्चन हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से आते हैं, परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएंगे, और जितने भी क्वेश्चन मैंने आपसे यहाँ पर डिस्कस किए हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आपको देखने को मिलेंगे पक्का, ठीक है। एग्जाम के बाद आप जरूर मुझे कमेंट करके बताओगे सर आपकी वीडियो से यहाँ पर हमको इतने क्वेश्चन देखने को मिले थे, ठीक है ना। नौकरी लगेगी तो मिठाई लेकर भी आप हमारे पास जरूर आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, इतने ही यहाँ पर को क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। और दोस्तों बाकी यहाँ पर आप जो है हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए, ये आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, इन लिंक को क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको विभिन्न प्रकार की किताबों के लिंक भी मिलेंगे, उन लिंक पर क्लिक करके आप हमारे लिए इंपॉर्टेंट बुक्स खरीद सकते हैं दोस्तों। मैंने बुक्स के लिए वीडियो बनाया था, और बाकी कल कोशिश करेंगे हम कि इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट किताबों जो जो बुक्स हैं उनके बारे में वीडियो बनाएं। बाकी आप हमको ज्वाइन कर लीजिए, ये यहाँ पर लिंक रहे, डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और आगे मेरे साथ बने रहिए, सपोर्ट कीजिए हमें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।